स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर शहरी इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहरी इलाके में लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया जा रहा है। इसी को लेकर भागलपुर के सदर अस्पताल के पास स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे नाला निर्माण करने में अतिक्रमणकारियों के चलते हो रहे परेशानियों को देखते हुए सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया गया। अब भागलपुर SDO धनंजय कुमार खुद अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे और अतिक्रमणकारियों को 2 घंटे में जगह खाली करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को वहां से हटाया और फिर स्मार्ट सिटी के तहत नाला निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वहीं इस विषय पे SDO धनंजय कुमार का क्या कुछ कहना है, पहले आप सुने। देखिए, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला का निर्माण होना है और यहाँ पे पहले पेवर ब्लॉक का भी कार्य किया गया है, लेकिन उधर बाउंड्री साइड साइड के नाला का निर्माण होना है, अतिक्रमण के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग इनको पहले भी हम लोगों ने माइकिंग करवा के इनको सूचित किया था कि आप लोग इस स्थान को खाली कर दें, क्योंकि नाला का निर्माण होना है। उसके बाद बावजूद भी बहुत लोगों के द्वारा दुकान नहीं खाली की गई है, तो इनको 1-2 घंटे का और मोहलत दिया गया, 1-2 घंटे में लगभग दुकानें खाली हो जाएंगी, उसके बाद नाला निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है यहाँ पे विवेचन कर ही लेता है, तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार हटा दिया और दोबारा फिर से वो नहीं लगता है, क्योंकि ये जानने फुटकरों का है, एक वो एक समस्या रहती है कि वेंडिंग जोन उनको चिन्हित करके देना होता है और नगर निगम के द्वारा आपको जानकारी होगी कि ये क्षेत्र जो है उसको भी वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। अब उसमें समस्या होती है कि वेंडिंग जोन में ना रह के उससे आगे आ जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को रेगुलर करते रहना पड़ेगा और वही प्रक्रिया हमको लगता है बेहतर भी। कितने लोग अतिक्रमण में ये नगर निगम बताएगा। आपने SDO धनंजय कुमार को सुना, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा वेंडिंग जोन के तहत दुकान लगाने के लिए जगह दिया गया था। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अतिक्रमणकारियों को पहले से नोटिस दे दिया गया था दुकान को हटाने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि अतिक्रमण किए जाने के कारण शहरवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आए दिन जाम की समस्या रहती है। अगर वह सीमित जगह पर दुकानें लगाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। अभी नाला निर्माण होना है, इसके लिए इन लोगों को हटाया जा रहा है, यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।